प्रस्तुत करेंगे। अभी हम प्रस्तुति नहीं कर रहे तो समाज डिमांड कर रहे तो कोई कोई भी चीज दिखती कब है, तब दिखेगी, तो दिखना जरूरी है। तो मोस्टली जो केसेस है वो पित्तज त्रिशूल के होते हैं जिनको हम माइग्रेंट बोलते हैं। माइग्रेंट के रोगियों में कभी ब्रेन में मत ढूंढो, सीटी स्कैन एमआरआई पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, और वो पेशेंट बड़े दुखी होते हैं। और आपको बताऊं आयुर्वेद से इसका बहुत शानदार और सस्ता इलाज है, और आपसे आप इससे कितने भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप कुछ मत करिए, सिर्फ माइग्रेन क्लिनिक खोल लीजिए। आपके पास रोगी कहाँ कहाँ से आएगा आप संभाल नहीं पाओ, सिर्फ माइग्रेन क्लिनिक आप नाम रख लीजिए। और चार या पांच मेडिसिन चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको ट्रीटमेंट करने की। जरूरत है स्पेशलिटी में जाने की, कोई माइग्रेन पर काम करे, कोई हार्ट पर काम करे, कोई रीनल पर काम करे, अलग अलग स्पेशलिटी क्लिनिक्स हो। देखिए पेशेंट क्यों नहीं आएगा आपके पास, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अच्छी क्लिनिक बना ली। मैंने देखा बहुत सारे पंचकर्म सेंटर खुलते हैं शुरुआत में और वो बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको पंचकर्म मतलब स्पा समझते हैं, पंचकर्म मतलब सिर्फ अभ्यंग समझते हैं, मसाज समझते हैं, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। जरूरत है कि पंचकर्म को पंचकर्म के तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और वो पंचकर्म आना चाहिए, इसने सिद्धि लक्षण आने चाहिए देखते हैं, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो फ्लॉप होना ही। और अच्छा है कि फ्लॉप हो जाता है। अभी चर्चा हो रही तो बोल रहे थे सर आयुर्वेद के क्लिनिक्स कम है, डॉक्टर्स कम है। मैंने बोला अच्छी चीज कमी होती है भाई साहब, दारू की दुकान पे भीड़ लगती है, दूध आदमी को घर घर देने जाना पड़ता है, अभी वो अच्छी चीज। तो हम बुराई की तरफ हमेशा से आकर्षण रहा है मनुष्य का, मतलब गलत चीजों की तरफ हमारा हमेशा आकर्षण रहा है। अभी कोई किसी को बोला स्टूडेंट मैं अपने यहाँ गुरु कुल शिष्य परंपरा चलाता हूँ, 50 से ज्यादा बच्चे उसमें लाभान्वित होते हैं, तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला आपको कोई बोले कि चलो चरक संहिता पढ़ते हैं, और एक बोले कि चलो मॉल घूमकर आते हैं, तो मॉल घूमने जाएंगे, चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे। तो गलत की तरफ हम हमेशा से अग्रसर रहे हैं। एक दोस्त बोले कड़वी दवाई खानी है, या डॉक्टर बोले तो हम नहीं खाएंगे, और दूसरा दोस्त बोलता है चलो आज एक गुटखा, उसको उल्टी नहीं होती उससे। मेरे यहाँ रोगी आते हैं, उनको बोलता हूँ मेरे दारू टेस्ट किए कभी, बोले हाँ, मैंने कहा उल्टी हुई थी क्या, बोले नहीं हुई। मैं कहा ये फलतेदारी बहुत सीने से कैसे हो रही है, क्योंकि माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण दीजिए कि पेशेंट की बोलती बंद हो जाए, काउंसलिंग इज मस्ट, उसको समझाइए इन चीजों के बारे में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारा जैसे गैदरिंग ज्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी फेस्टिवल में गए, हम अपनी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बहुत अभी 50 लोग बढ़ जाए, अरे बहुत सफोकेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, मैनेजमेंट सही नहीं था। और हम पंप में जाते हैं तो उसी गैदरिंग में जाके नाचते हैं। तो माइंड सेटअप चेंज करने की जरूरत है बस। आयुर्वेद प्रैक्टिस करना सबसे आसान होता है। मैं भी जब अपने ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके निकला तो मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा विरोधी था, मतलब आयुर्वेद कोई नाम देने में उसको छोड़ता नहीं था, बस तो चुप कर साले आयुर्वेद हो गया। और मैं आज आयुर्वेद में, उसके कई रीजन है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है, वो उस पर नहीं जाते अभी, लेकिन वो इंस्पायरिंग है बहुत कि मैं कैसे इस फील्ड में फिर से आ गया। तो पित्त त्रिशूल, माइग्रेन मतलब पित्त त्रिशूल, और बात उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लीज उसको सीटी स्कैन करा के एमआरआई करके उसके ब्रेन में झांकने की कोशिश मत करिए, उसके ब्रेन में कुछ भी नहीं है। जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उन सबके पेट में प्रॉब्लम है, पेट को देखना क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों में कितने लोगों ने फील किया जिस दिन खाना नहीं खाया, लेट खाना खाया या फास्टिंग हो गई, तो उस दिन क्या होता है, सर में दर्द होने लगता है। अरे भाई माइग्रेन का डायग्नोसिस हो गया, यही तो है माइग्रेन। जिन लोगों की इरेग्युलर डाइट है, जो अपना जो नियमित काल है भोजन का वो छोड़ देते हैं और बार बार ऐसा होता है, तो माइग्रेन का रूप धारण कर लेता है वो खाना खा, उसके बाद क्या होता है, जब खाना खा लेते हैं तो वो सबसाइड हो जाता है, यही माइग्रेन। तो पित्त त्रिशूल इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं हमें। अभी करना कैसे, इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटे मोटे आधार पर जो बहुत ईजी है। पित्त त्रिशूल मैंने बोला इसलिए, ऐसा नहीं कि हर माइग्रेन का पेशेंट है तो पित्त त्रिशूल का। 70% केसेस पित्त त्रिशूल के होते हैं, 20% केसेस कफ त्रिशूल के होते हैं, और 10% केसेस वात त्रिशूल के होते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं डॉक्टर्स को। मतलब इधर वो 70 और इधर वो 10 इक्वल है, क्योंकि 10 वालों को रिलीफ नहीं होता। पित्त त्रिशूल वाला आदमी एक बार जाएगा सुबह उल्टी कर देगा, उसका त्रिशूल ठीक। अरे भैया ये हमारा वमन है,
उपचय के टाइप्स पढ़े, व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, हेतु हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, उभय विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, ये वही तो है। तो करना क्या है, सिरसूल का पेशेंट आया है, वो पित्त डायग्नोस कैसे करें? सबसे पहले पेशेंट को एसिडिटी हो। अब पेशेंट को एसिडिटी शब्द मत पूछना, क्योंकि एसिडिटी के दो शब्द के दो सामाजिक अर्थ निकलते हैं। एसिडिटी मोस्टली लोग गैस को समझते हैं, आप बोलोगे एसिडिटी हो रही, बोला हाँ होती है, आपका डायग्नोसिस बिगड़ जाए। तो उसको पूछना है पेट में जलन एसिडिटी या छाती में जलन होती है क्या? यदि वो बोलता है हाँ, तो वो पित्त त्रिशूल है। यदि उसकी आंखों में जलन होती है तो वो पित्त त्रिशूल है। यदि उसकी हाथ पैर में जलन होती है, हाथ पैर के तलवों में जलन, हस्तपात तल दहा है, तो वो पित्त त्रिशूल है। बस त्रिशूल के पेशेंट से आपको ये तीन ही क्वेश्चन पूछने हैं। आपने अब क्या किया, पित्त त्रिशूल डायग्नोस कर लिया। यदि पित्त है तो पित्त त्रिशूल, और नहीं है तो बात को फर्क, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब पित्त त्रिशूल है तो क्या करना है, जो 70% केसेस है उसमें सिर्फ लघु सूत से कर रस, सिंपल मेडिसिन है, लघु सूत से कर रस इसका प्रयोग कराए। यदि सिंगल मेडिसिन में जा रहे हैं तो 1 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार, दूसरी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती नहीं, पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक होता है। सिर्फ इसी से और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने काम किया वो बेस पर किया है, मूल पर किया है, उसका कारण था। उसके साथ में उसको थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है, भी खाने का टाइम है, थोड़ा सुधारो, कुछ नहीं है बोले नहीं खा सकते तो अपने साथ फल कैरी करो, उस समय आप खाने के टाइम पे फल खा लो, जो भी आपका स्किप नहीं करना है टाइम को जरूर आप खा लीजिए। अब दूसरा रोगी कफ त्रिशूल का, उन केसेस में कफ और वातस को मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं है। तो कफ में आप गुलंदी वसन, त्रिशूल आदि वज्र रस इनका प्रयोग करेंगे तो उस समय क्या होता है, जो वेदना है वो मंद होती है, तो पेशेंट को आराम से वो इजी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ज्यादा टाइम ले सकता है। दूसरा जो रोगी है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है वातक त्रिशूल। ये माइग्रेन के सबसे ज्यादा पेशेंट है जिनको कहीं से भी रिलीफ नहीं हो रहा है। उनमें क्या होता है, पेशेंट तो आप पूछोगे तो बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि हथौड़ा से ठोक रहा है मेरे ब्रेन में, ये सब उनके मुंह से आएगा, तो मतलब वो वातक त्रिशूल है, सर फटने के जैसा हो रहा है। ये जो शब्दावली है ना मेरी नहीं है, ऐसी आपको ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। और यही पेशेंट बोलता है तो जो लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस हो सकता है, इतना आसान लिखा हुआ है, तो जब वो ऐसा बोले तो वातक त्रिशूल का पेशेंट है। तो वातक त्रिशूल के पेशेंट को ठीक करना सबसे कठिन काम है, इधर-उधर भटकता रहता है, डॉक्टर डॉक्टर खेलता रहता है, कभी डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, पांचवा डॉक्टर। तो वो साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसको सिर्फ महावाद विद्वंस रस दसमूला दृष्टि के साथ देनी है। महावाद विद्वंस रस का हम प्रयोग मोस्टली ज्वाइंट पेन में या ऑस्टियो रिलेटेड करते हैं, लेकिन यदि वातक त्रिशूल आपने डायग्नोस किया है तो महावाद विद्वंस रस 125 एमजी की एक गोली दिन में 2 बार सुबह शाम, और अनुपान इसका जो है वो है दसमूला दृष्टि। वातक त्रिशूल ठीक होगा, पेशेंट आपके पास ठीक होने तक प्रॉपर आएगा, अब वो डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद कर देगा और आपको यश मिलेगा कि जो डॉक्टर कहीं पर रिलीफ नहीं मिला था वो इस डॉक्टर ने आराम दे दिया। तो ये सिंपल तरीका है त्रिशूल को समझने का, बात करते डॉक्टर अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया, बाकी पत्त्यादि को आप गोदन की त्रिशूल आदि वगैरह तो हम सब जानते हैं, सपोर्टेड ड्रग के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जनरल प्रैक्टिस वाले जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ज्वर फीवर, इससे सब डरते हैं। फीवर मतलब अरे अब तो लफड़ा है, देना ही पड़ेगा कुछ, दूसरी तरफ कुछ अलग से देना अपने पास में ही है, ऐसा दिमाग में आता है और करते भी। तो सबसे पहले सिद्धांत को नहीं छोड़ना है, यदि ज्वर है तो क्या करना है पेशेंट को, क्या करना है, लंघन करना है, पहली स्टेप है। हम उसको छोड़ देते हैं उसके बाद मेडिसिन की बात करते हैं, वो नहीं छोड़ना है, सिद्धांत को पकड़ कर चलना है। तो अब पेशेंट को आपने बोला लंघन करिए, बता रहा हो गया लंघन छोड़ो, तो पेशेंट ने नहीं बोलना है लंघन करिए, उसको उसकी भाषा में बोला। लंघन का मतलब ये नहीं कि उसको फास्टिंग पे डाल देना, लंघन का मतलब है लंघनम लघु भोजनम,
तो उसको कुछ हल्के खाने पर हम रख सकते हैं। खिचड़ी है उसको मत समझाइए कॉन्सेप्ट लंघन का, उसको सिर्फ ये बोलिए आज शाम को या कल दो दिन सिर्फ खिचड़ी खाइए, एक कटोरी ज्यादा नहीं खाना है। इतना बोल दिया पेशेंट फॉलो कर लेता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसको पेट भी भर गया, लंघन भी हो गया, गुनगुना पानी पीना है, सबसे अच्छा लंघन का डाइट है, सबसे अच्छा तरीका है। अब पेशेंट को बोलो भाई उबाल लेना पानी, वही दिन भर पीना है चाय जैसा गुनगुना गुनगुना हो जाता है। अब इसमें दो चीजें, एक शाम और एक विराम, वो इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। तो जब शाम है, दूसरी भाषा में इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे हम, आजकल सिस्टम उपलब्ध है मलेरिया टाइफाइड हम चेक कर लें, तो मलेरिया के हिसाब से चले और टाइफाइड के हिसाब से चले। तो शाम और विराम देखें, तो टाइफाइड के जितने भी रोगी हैं वो सारे शाम होते हैं और मलेरिया के जितने रोगी हैं वो अधिकतर विराम होते हैं। तो जब टाइफाइड आज की डेट में भी ये एक एपिडेमिक होता जा रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट तो उसके बाद फिर से आ जाता है, फिर ट्रीटमेंट तो फिर से आ जाते हैं, उसका कोई ब्रेकअप नहीं हो पा रहा है डिसीज का रोगी से। तो ऐसे रोगी जब आपके पास आए या एक्यूट कंडीशन में भी आपके पास आए तो आपको कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी का प्रयोग 250 एमजी दिन में दो बार, यदि पेशेंट को फीवर है मतलब माइल्ड फीवर है 99-100 तक है तो दूसरी कोई मेडिसिन इसके साथ देने की जरूरत आपको नहीं है। ये एंटीबायोटिक का भी काम करेगी और एंटीबायोटिक का भी काम करेगी, नॉर्मल भाषा में बोलूं तो। अदरवाइज ये काम कैसे करती है, ये आंख पाचन करके काम करती है, एस टाइप की और ओ टाइप की। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझ लेते हैं, एस टाइप की और ओ टाइप की हमें क्या लगता है कि इसके कारण टाइफाइड हो रहा है, गलत। वहां पर जो आम पड़ा है उसमें एस टाइप की ओ टाइप की डेवलप हो रहा है, तो ट्रीटमेंट किसकी होनी चाहिए? आम की। और संजीवनी वटी क्या करेगा? आम पाचन करेगा। संजीवनी वटी देने से पहले उसके कंटेंट्स पता होने चाहिए हमें, क्या क्या है उसमें, वतना मल्लाधर और भी कंटेंट्स है साथ, और उसमें गौमूत्र की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देने से पहले पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? यदि रोगी पित्त प्रधान है, पित्त प्रकृति का, पित्त प्रधान पित्त प्रकृति कैसे देखें? जलन एक है, देख के पता कर सकते हैं प्रकृति के बारे में। यदि रोगी आया उसके बाल कम है फ्रंट के पित्त है, फेयर है चेहरे पर ड्यूप्लीकेशन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको ऑयली है तो वो पित्त आवारा है उसके चेहरे पर तो वो पित्त प्रधान है, सिंपल देखने से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे रोगी में जरूरी नहीं है कि एक्टिव अम्ल पित्त हो ही, एक एक्टिव अम्ल पित्त और एक पैसिव अम्ल पित्त। तो ऐसे रोगी में हमें पूछ लेना कि भाई अम्ल पित्त है क्या, एसिडिटी होती है क्या, जलन होती है क्या, बोले नहीं होती है देन गो विद संजीवनी वटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि वो बोले हाँ मुझे अम्ल पित्त है, नेवर गिव संजीवनी वटी, ये आया तब का प्रॉब्लम। अब इसको प्रॉब्लम कह लो या इसको बेनिफिट कह लो, जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए मास्टर स्ट्रोक होता है, जिनको समझ में नहीं आता वो फुल ड्रॉबैक हो जाता है उनके लिए। तो उस समय आपको संजीवनी वटी नहीं देनी है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि जब यदि पेशेंट को 99-100 के आसपास फीवर है या 100 के ऊपर थोड़ा बहुत है तो इसके साथ दूसरा एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती। यदि उसके ऊपर है तो इसमें आप नवसागर मिला लें, नवसागर मतलब निरसार, नवसागर हिंदी में बोलते हैं, पता है आप लोगों को? तो नौसागर व्हाइट कलर का एक आपको मंसारी का मिलेगा, शुद्ध कर लें, अशुद्ध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस में करना चाहते हैं तो शुद्ध करके ही रख लें, एक दो बार यूज करना है तो यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी खराबियां। यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध का मतलब उसमें कोई पॉइजनस है उससे नहीं है, उसमें कुछ अलग चीजें मिल जाती है, कंकड़ पत्थर वगैरह वो नहीं हो या कोई अलग चीज ना आ जाए इसलिए उसको शुद्ध करना है। तो शोधन का तरीका पढ़ लीजिए, उसमें नहीं जाऊँगा, इसको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो उसमें संजीवनी वटी में नरसार 250 एमजी और मिला लीजिए तो एंटीबायोटिक का भी काम करती है। तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशन देने से आपका टाइफाइड कवर होता है। इसकी ट्रीटमेंट 21 डेज तक देनी है कंटिन्यू, रिलीफ पहले दिन मिल जाता है लेकिन 21 डेज तक आपको जाना है, पेशेंट को समझाना है कि बार बार होगा नहीं तो 21 दिन पूरा इसका इलाज ले लेना। और इसका जो परहेज है वो स्पेसिफिक है, दूध और दही का सेवन उसको बंद करना है। क्यों बंद करना है? एग्जैक्टली आप इधर आपका पाचन कर रहे हो, दूध दही लोगे तो और आम बनता जाएगा, उसका पाचन सही नहीं था, पहले उसका हमें दूध दही बंद करके आम पाचन करना, उसके बाद उसमें दूध दही हम चालू कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो पित्त में दे नहीं सकते, बात कफज में तो दे सकते हैं, जिसको अम्ल पित्त एसिडिटी है, पित्त प्रकृति है, एक्टिव है, अम्ल पित्त है तो उसको नहीं देना है, लेकिन उसमें क्या देंगे? तो ऐसे रोगी में स्वर्णयुक्त ब्राह्मी बटी मास्टर स्ट्रॉक 5 दिन का डोज है इसका, सिर्फ एक गोली सुबह शाम। और ये जो प्रयोग है हमारे पुराने जो वैद्यगण थे
या है वो सभी करते हैं, लेकिन वो क्या बताते नहीं। उन्होंने ब्राह्मणी बेटी पकड़ा दी, जाओ हो जाएगा और हो जाता था, लेकिन भावी पीढ़ी को पता नहीं चला कि कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है, क्या देते हो, पता नहीं। तो अच्छी याद आई बात वैद्यों से। इस मामले में मेरे गुरुजी वैद्य समीर जमदंगी सर पुणे, जो कुछ सीखा है सब उन्हीं की देन है, उनके द्वारा ही सीखा है और फिर उसको बाद में हमने किस तरीके से डेवलप किया है, इमरजेंसी में किस तरीके से कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में स्कोप नहीं है, वो एक बार जरूर डॉक्टर समीर जमदंगी सर की क्लिनिक एक बार पूना देख कर आए। ओपीडी लेवल पर भी उन्होंने काम किया है, जो महाराष्ट्र से टच में हो या महाराष्ट्र के टच में हो तो वो लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी उनके महाराष्ट्र में जो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, और टीवी पर वो बने ही रहते हैं। पहले जब हम थे तब वो टीवी पर नहीं थे, अभी उनका टीवी पर आना है शुरू, उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं। तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक महीने का टर्न ओवर 1 करोड़ रुपए का है सिर्फ ओपीडी से, नो आईपी। आप सोच सकते हैं कि आयुर्वेद कितना पैसा देता है। यस, धन सम्मान सब कुछ देता है, लेकिन जीपी करने में तो क्या मिलेगा? 1 करोड़ रुपए। उनके आश्चर्यचकित होते हैं, इतना कैसे हो सकता है? वो भी एक महीने का। एक डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा सर 1 साल का होगा, मैंने कहा भैया 1 साल का नहीं है, 1 महीने का है। और जब हम थे वहां पर तो पैसे हम लोग खुद गिनते थे, और वहां पर पूरी जो सत्ता है वो स्टूडेंट्स के हाथ ही रहती थी, हम लोगों के हाथ में पैसा रहता था। आप सोचो लाखों रुपए हम लोग हाथ में रहता था उस समय, और किसी की मजाक की 1 रुपए की चीटिंग करते हैं। क्योंकि वहां संस्कार ऐसे दिए। गुरु क्या होता है? जो व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल दे वही तो गुरु है। और उनके पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनेक शिष्य हैं मेरे जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ा रहे हैं, मिलके चलते हैं हम, और आयुर्वेद को फिर से वही पहुंचाते हैं जहां था। ब्राह्मी बेटी पित्तक, जब पित्त की प्रशांतता हो या पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो तो टाइफॉइड में आप यूज करिए। इसके साथ में ये जो है मास्टर स्ट्रोक मेडिसिन है, इसके साथ में आप मार्गदर्शन बात का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ में विषम दौरान तक लो बेटी का प्रयोग कर सकते हैं, और ये रेगुलर होती आई है। लेकिन ये जो दो मेडिसिन बताई है ये बहुत इमीडिएट रिजल्ट देने वाली है। 21 डेज का इसका कोर्स है। ब्राह्मी बेटी यदि दे रहा है तो सिर्फ 5 दिन दे रहा है, ज्यादा दिन भी दे सकते हैं लेकिन 5 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। अब ये हो गई शाम के बारे में बात। अब शाम विराम कैसे देखिए ये भी बता देता हूँ। यदि पेशेंट ये तो टाइफॉइड से हमने डायग्नोस करके बता दिया है आपको, ऐसे लगे विडाल पॉजिटिव है तो दे दिया, लेकिन ये सामज होते हैं मोस्टली जो। तो साम और निराम कैसे डायग्नोस करें? कुछ नहीं करना है, पेशेंट आए उसको बोलना जीत दिखाओ साम है, और व्याधि जो होगी उसको उसको जोड़ देंगे। जैसे ज्वर का आया तो साम ज्वर, सिरशूल का आया तो साम सिरशूल, इस प्रकार से उसको जोड़ते जाएंगे। उधर शूल का आया तो साम उधर शूल, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? मल मोशन कैसा होता है? यदि वो रोगी बोलता है कि मुझे स्टिकी बिच्छिल मल प्रवृत्ति होती है, दिन में 1-2 बार जाना पड़ता है, सेटिस्फैक्ट्री मोशन नहीं होता है, और जो मोशन है वो स्टिकी होता है, बिच्छिल होता है, चिकना होता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बहुत अच्छी चीज बता दूं जो पेशेंट से पूछोगे तुरंत पता चल जाएगा कि साम या निराम है। पेशेंट को पूछना फ्लश करने पर मल बह जाता है, चुपका रह जाता है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यदि उसने बोला कि मल चुपका रह जाता है साम, क्लियर कट डायग्नोस, कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको। और वो बोलता है नहीं, मल जो है वो फॉर्म्ड आता है, हार्ड आता है, बना हुआ आता है, तो वो निराम। जीवा पर कोटिंग नहीं है, क्लीन है, तो वो निराम। ठीक है, साम निराम समझ में आ गया? इजी है ना समझना, नहीं तो श्लोक के चक्कर में तो, और वो पढ़ना भी है श्लोक, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो साम निराम, अब श्लोक नहीं पढ़ना है। अब वो श्लोक पढ़ोगे तो मजा आएगा, अब ग्रंथ पढ़ने में मजा आएगा, साम निराम का श्लोक पढ़ने में मजा आएगा, प्रकृति का श्लोक पढ़ने में मजा आएगा। तो ये हो गया शाम के बारे में। निराम में मोस्टली मलेरियल ज्वर जो है इसमें 12 घंटे के अंदर पेशेंट का फीवर कम करते आता है। और आपको यदि बात करके कब समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मेडिसिन का नाम है गोदंती मिश्रण, मार्केट में इजीली अवेलेबल है गोदंती मिश्रण, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें तीन या चार, तीन औषधियां हैं, चार, जहर मोरा पिस्टी, रसाली बटी, वत्सनाभ और गोदंती, इनका मिश्रण है। मार्केट में दो तरह की गोदंती मिश्रण टैबलेट मिलती है, एक वत्सनाभ रहित और एक वत्सनाभ सहित। तो जहां पर पित्त की प्रधानता यदि आपको लगती है तो वत्सनाभ रहित का प्रयोग करना है, और जहां पर पित्त की प्रधानता नहीं लग रही है वहां पर वत्सनाभ सहित प्रयोग करना है। तो ये मोटे मोटे तौर पर, लेकिन यदि इमरजेंसी कंडीशन में आप दे भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर जो मेन इंटेंशन है वो फीवर उतारना है। इसको जब लॉन्ग टर्म देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, दो चार दिन देने से कोई समस्या आती नहीं। तो गोदंती मिश्रण का प्रयोग बहुत अच्छा है इसमें, और बहुत अच्छे रिजल्ट है, मतलब विद इन 12 आवर्स आपका फीवर डाउन आ जाता है। उसके साथ में दूसरी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें सप्तपर्ण, सुखी, लताकरण और गुनिन, इसका कॉम्बिनेशन बहुत पहले से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले से CCRS ने आयुष 64 आई थिंक उनके नाम से इसको लॉन्च किया था, और अभी चिराकिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, झंडू कंपनी उपलब्ध कराती चिराकिन, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, या फिर जो चार मेरे मेडिसिन बने उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिटरेचर गूगल पर उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 5 दिन का कोर्स है, 5 से 7 दिन का, एंटी मलेरियल एंटी फाइलेरियल दोनों में काम करता है। यदि पेशेंट को फीवर नहीं है, क्रॉनिक है, तो सिर्फ आप जो कॉम्बिनेशन बताया है लताकरण कुटकी पूजन वाला वही दे दें, उसी से काम हो जाता है। लेकिन आपको लगता है वो नहीं उपलब्ध हो रहा है तो सिंपल मेडिसिन गोदंती मिश्रण सफिशियंट है दोनों ही कंडीशन के लिए। दूसरी मेडिसिन का नाम है मृत्युंजय रस, सबसे बेस्ट और फेवरेट मेडिसिन है मृत्युंजय रस। जब जब आप पेशेंट को देंगे तब तक पेशेंट का फीवर उतर जाएगा, और ये ऐसा नहीं कि उतर जाएगा तो फिर से आ जाएगा, एंटीपायरेटिक नहीं है सिर्फ, इसमें दोनों गुण है। मृत्युंजय रस 125 mg एक बार में, इसके साथ में लेकिन प्रवाल पिस्टी को ऐड कर लें 500 mg। और आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि पित्त वाला सफेद वाला सिस्टम समझ में नहीं आ पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मृत्युंजय रस 125 mg, जहर मोरा पिस्टी सॉरी प्रवाल पिस्टी 500 mg और मोती पिस्टी 500 mg, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके रख लीजिए या बना के दे दीजिए पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार, पेशेंट का जो रोगी का फीवर है वो बिल्कुल उतर जाएगा। जनरल प्रैक्टिस में जरूर प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अब पित्त ज्वर, निराम में पित्त ज्वर, यदि रोगी को पित्त प्रदान है तो क्या करें, तो रसाली बटी का प्रयोग करें, उपलब्ध है रसाली बटी और गोदंती मिश्रण बत्सना रहित वाला प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी है, दोनों का प्रयोग करें। अब एक कंडीशन होती है, आप लोगों ने देखी होगी ज्वर में जब भी हम एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगता है, अनुभव किया जितनी बार हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि जब भी एंटीबायोटिक दवा देते हैं तो लूज मोशन शुरू होने लगते हैं, पतले दस्त होने लगते हैं। और आपको पता है ज्वरांते विरेचनम पहले ही दिया, तो मतलब ज्वर के अंत में विरेचन देना है। अब वो पित्त है, पित्त को कैसे भी तो निकालना है, आपने उसको क्या किया गलत तरीके से किया तो वो से बढ़िया निकलने लगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, देखिए उसको मोशन हुआ तो उसको बंद करने के लिए दवा दे देते हैं, इट लीड्स टू टाइफाइड। क्यों? क्योंकि जो मल बाहर निकल रहा था वो मल अब उनकी आंखों में अल्प मात्रा में संचित रह गया, अब वो पेशेंट को प्रभावित में डेवलप करेगा, धीरे धीरे वो टाइफाइड डेवलप करेगा, फिर आगे जाके क्रैनी डेवलप होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप होगा, इस तरीके से फिर आगे जाके उसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, पित्त का और बढ़ जाएगा, अल्सिडिक कोलाइटिस नाम की बीमारियां हो जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। पेशेंट आया और हमने तुरंत उसको स्टमक दवाएं दे दी, आजकल आयुर्वेद जनरल प्रैक्टिस में भी बहुत होने लगा, पेशेंट जुकाम का आया हमने तुरंत डीटी ठोक दी, अभी से रिजल्ट नहीं देनी, वो प्राकृतिक तरीके से कफ बलगम बाहर निकल रहा है और आपने उसको त्रिभुवन की देकर स्टॉप कर दिया, अब क्या हुआ उसका प्रतिसाइड तो आराम मिल जाएगा लेकिन पेशेंट आपका अर्धित के लिए तैयार हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा।
इस प्रकार की प्रैक्टिस सही नहीं है। मैं इसीलिए अभी बोल रहा था कि कम लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा है। तो ये समझ लिया आपने तो आगे की प्रॉब्लम है। आप ये देखेंगे कि जितने भी लोग मेडिसिन जब सर्दी जुकाम होता है मैं उस पर बाद में आऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक ही है। तो ज्वर में ये हो गया, इसके साथ में आपके पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो सिर्फ वो नंदी भस्म इजीली उपलब्ध है, और ये सारी चीजें अपनी मेडिसिन में थोड़ी थोड़ी करके रखिए, प्रैक्टिस में जब आएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो गोधन भी बस 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार पीजिए, फीवर कम हो जाता है। मैं आपको अपने ही एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं पचमढ़ी गया था, पचमढ़ी गया तो वो ऊपर वो है ना सन मून क्या तो सन जो होता है सनसेट पॉइंट, तो सनसेट पॉइंट पर ठंड का समय था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी और उस समय मैं कुछ वो लगा के नहीं गया और उस टाइम में पहुंच गए। और ये अभी की बात है 2 साल पुरानी। और अगले दिन जाके मुझे बनपेड़ी में कैंप करना था और वहां पर रजिस्ट्रेशन 100 से ज्यादा पेशेंट्स के थे। और जो डॉक्टर ने मुझे बुलाया था मेरा फ्रेंड था वो बड़ा टेंशन में। अब हुआ क्या, हम लोग वहां से घर जब पहुंचे रात में 9 बजे के, 9 बजे जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे चिल्स विद फीवर, और चिल्स भी ऐसे वैसे नहीं, मेरे को कभी नहीं आए ऐसे चिल्स। दो रिजल्ट डालने के बाद भी मुझे चिल्स कंट्रोल नहीं। अब वो ठहरा जीपी वाला व्यक्ति, वो लेके आ गया भैया पैरासिटामोल खा लो, नाइस खा लो, इमोसुलाइड खा लो, अभी ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसको चिंता ये नहीं थी कि ये ठीक हो जाए, उसको चिंता थी सुबह 100 पेशेंट देख रहे वो कौन देखेगा, क्योंकि वो आयुर्वेद के नाम का कैंप था और उनको भी हमने चेंज करिया, चेंज करके लाया हूँ, वो भी उसमें 50 में से। तो मैंने बोला कुछ नहीं मिल रहा है, मैंने भाई गोधन की भस्म ला दे बस कहीं से, गोधन की भस्म मिल गई और वो उसकी क्लिनिक पर अकेली पतंजलि की वो लेके आया और मैंने 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना शुरू किया। 1 या 2 डोज दिया, उसके बाद में मेरे जो खत्म हो गए, मैं सो गया। सुबह उठा फीवर था 102-101 के आसपास होगा, मैंने टेम्परेचर नहीं किया। अब टेंशन अगेन फिर वही पेशेंट जैसी स्थिति में देख पाएंगे तो फिर से वही प्रेशर, ले 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 मेडिसिन खा ले, मैं नहीं खाऊँ। सिद्धांत बहुत बड़ी चीज होती है, पर सिद्धांत बनते कहाँ है, विश्वास करो। मैं कहा नहीं खाऊंगा, मैं ओपीडी में बैठा गोधंधी भस्म और एक ग्लास अपने पास रखा, हर 1 घंटे में 1 ग्राम गोधंधी भस्म खा के मैंने 125 से 130 पेशेंट देखे उसने। देखता गया ये क्वालिटी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे फीवर है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कंप्लीट की ओपीडी, उसके यहाँ पर स्टीम चैम्बर था उसमें बैठ के सुजन लिया और राइट। क्यों? क्योंकि तो वहां पर जो ज्वर आया था वो सीत के कारण था, हमने उसका एंटीडोट क्या लिया, स्वेदन ले लिया। ज्वर की मेन चिकित्सा क्या है, स्वेदन है ना, सिंपल था। उसके बाद मैं उसी दिन नाइट में मुझे बलियर आ रहा था, प्रेग्नेंट में टेंशन हो रही थी कि विमन ना आ जाए, कुछ भी नहीं हुआ, आसानी से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिद्धांत बड़ी चीज, बात कब कब कोई आप समझ लेते हैं किस प्रकार से आप मेहनत कर पाते हैं। तो गोधंधी भस्म बहुत पहले से यूज करता आ रहा हूँ, 7 साल का अनुभव है इसका, आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखें। लेकिन ऐसा नहीं होता क्या, गोधंधी भस्म एक दी फीवर कम नहीं हुआ, अरे यार कम नहीं हो रहा चल दूसरी मेडिसिन खा, ये नहीं होना चाहिए। एक बार एक पूरा ट्रायल करके तो देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब आपको अनुभव आएगा। और ये ट्रायल करने की सबसे अच्छी जगह पता कौन सी है, खुद पर, तब आपको एहसास होगा कि वात कैसा होता है, पित्त कैसा होता है और कफ कैसा होता है, एक एक चीज का एहसास होगा। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी समस्या जीपी में आती है जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अब्डोमिनल पेन। अब्डोमिनल पेन में मोस्टली प्रॉब्लम कहां आ रही है, रीनल कैलकुलस का पेन किसी को हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में बात पित्त को छोड़कर थोड़ी देर के लिए रिलीफ कैसे हो उस पर आप, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है
जिसमें आपको कैंसर, मैंने रीनल कैंसर के ऐसे ऐसे पेशेंट आया जब मैं राजापेट हॉस्पिटल में काम करता था 2007 में। कुछ भी मेडिसिन तो रिलीज नहीं होता, लास्ट में कोलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जिनमें रिलीज नहीं होता, ये हालत होती है। तो हमारी मेडिसिन अगर रिलीज नहीं होता तो हम लोग सोचते हैं हमारी मेडिसिन काम नहीं करती। फेल्योर हर किसी का होता है, हर चीज का एक रेट है। वहां पर उनको कोल्डवेन के इंजेक्शन देना पड़ता है, वो पेशेंट सो जाता है, वो रिलीज नहीं कर पाता। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप अपनी ओपीडी पर आसानी से पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं और वो मेडिसिन का नाम है कनकासर। कनकासर का मुंह का प्रयोग अभी तक सब लोग खांसी में करते थे, अब आप लोग उदरशूल में करें। उदरशूल कौन सा वाला? ये तीन मैंने नाम लिए होंगे, वो फॉरवर्ड वाले उदरशूल में मत देना, आम बाल में मत देना, ठीक है? उसमें कनकासर का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके साथ हम एक पूरा योग यूज करते हैं, मेरा बहुत फेवरेट है, हमेशा साथ देता है। आप लोग भी इसका प्रयोग करें, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें शूल बज्रग्नि बटी, शूल बज्रग्नि बटी आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, 250 mg। हींग जो खाने वाली हींग होती है 250 mg। कपूर मतलब हींग से नहीं कपूर, 250 mg। अजरक अयोध भस्म 500 mg और संघ भस्म 500 mg। ऐसा हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यदि लिख नहीं पाया तो मैं रिपीट कर दूंगा, कुछ पूछ लेना। संघ भस्म 500 mg, अजरक अयोध भस्म 500 mg, हिंगू 125, कपूर सॉरी 250, फूल बजरंगी बटी 250। ऐसा एक कॉम्बिनेशन एक डोज की मात्रा है। इसका जो अनुपान है वो कनकासर, 4 चम्मच कनकासर। मैं कई बार बोलकर आता हूँ कनकासर दे दो, द्राक्षारस दे दो, सोमासर दे दो, लोग ऐसे ही दे देते हैं। जब भी कोई आशा वरिष्ठ दें तो उसको जरूर डाइल्यूट कर लें। प्राइमरी सिद्धांत पता होना चाहिए हमें कि 4 चम्मच वो है 4 चम्मच पानी, उससे ज्यादा पानी निकालना है। उसके साथ में इसको देना है पेशेंट को 20-25 मिनट पर खुलने लगता है और धीरे 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 उसका पेन कम हो जाता है। उसके बाद में आप उसकी जो भी चिकित्सा है उसके लिए आप अलग मेडिसिन जो भी दे सकते हैं, बोले विद्यालय उसकी मेडिसिन दे सकते हैं, अपेंडिसाइटिस है उसमें उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस आने का एक्सपेंड कर दो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है सामने, टूथ है, दांत में दर्द होना। ये मैंने आज इतनी जल्दी ले लिया, लेकिन टॉपिक में बाद में लेता हूँ। बहुत छोटी सी बीमारी लगती है ना टूथ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको पेंजल ना निपटती आदमी को, आपको भी सजेस्ट करनी पड़ती। इसके लिए क्या करें, इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरे पास एक फोन आया था, मुझे याद आ गया, बिहार से उनका फोन था और वो बोले सॉरी बरेली रजनीश जी जानते होंगे शायद, उनके जी के शिष्य हैं वो, उनका नाम मुझे याद नहीं, SPC शायद कुछ नाम है ना। उनका फोन आया था और उन्होंने बोला है कि अगली बार रजनीश जी और अरुण जी बरेली में एक कॉन्फ्रेंस एक करें, सेमिनार करें, उनका आग्रह था। तो उन्होंने वो मेरा अजमेर वाला जो ये था सेमिनार हुआ लीगर था तो वो सुनने आए थे, वो लेक्चर उन्होंने अटेंड किया था। तो वो ये सारी चीज़ें सुनकर कहते उन्होंने अप्लाई की, उन्होंने मुझे फॉलोअप दिया फोन करके कि सर दांत दर्द में जो आपने संजीवनी बटी और गोक्षा के रूप में जो कॉम्बिनेशन बताए थे, मैं अभी तक 50 से ज़्यादा रोगियों को दे चुका हूँ और सबसे बढ़िया है, फैली नहीं हुआ अभी तक, मेडिसिन रिपीट करूंगा। तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं इन चीजों के जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इमरजेंसी, इसमें आपको ज्यादा बात करके उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़नी है। अब दांत दर्द हो रहा है किसी को, दांत दर्द का पेशेंट आए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? लौंग का तेल लगा देंगे, कपूर रख देंगे, तंबाकू रख देंगे, मतलब ये सारे नुस्खे पेशेंट करता रहता है डॉक्टर के पास। अब ये भी हम रिपीट करेंगे तो ठीक हो जाता तो आते ही हमारे पास, और नहीं तो फिर आयुर्वेद की जाए कुछ है ही नहीं, क्या देंगे बताओ? तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इसमें दो कंडीशन होती है। एक होता है जो पेशेंट को सामान्य दांत में दर्द होता है, उसमें डेंटल कैरीज नहीं होती या फिर भी दंत नहीं होता, यहाँ से सुनिए, डेंटल कैरीज नहीं होती, सामान्य दांत में दर्द होता है या वो किसी कारण से हो रहा हो। और एक होता है जिसमें डेंटल कैरीज होती है या किडनी लगा होता है, या इसको क्या बोलते हैं, किडनी दर्द, कैविटी, किडनी दर्द, किडनी दर्द। तो ये होता है, तो ऐसी दो अवस्थाएं जहां पर कैविटी नहीं है, ऐसी अवस्था में उसको चंद्र प्रभावटी रहती है। चंद्र प्रभावटी अभी तक हम ना यूज करते थे,
मूत्र का है और यूटीआई और आप कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पर डेंटल कैरीज नहीं है। मात्रा 1 ग्राम दिन में 2 बार। ये कई पेशेंट्स पर हमारा अनुभव है और हमारी क्या सब क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। क्लिनिकल ट्रायल्स तो हम करते ही हैं। आप जैसे चिकित्सक जब हमसे जुड़ जाते हैं तो हम उसको सब क्लिनिकल ट्रायल करवाते हैं। 2000 से ज्यादा भी चिकित्सक जुड़े हुए हैं। एक अभी मैं गया था पटना, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ लिया और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी। मैंने पूछी है, प्लीज सर आपके पास कुछ रिद्धि सिद्धि है क्या? क्यों मानते हैं इसके बाद तो आदमी ये सोचता है क्या करें कि नहीं करें, आयुर्वेद में जाए नहीं जाए, पीजी कर ले, वो इसमें टाइम पास हो जाता है क्योंकि वो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। ट्रुथ है तो इसलिए अनुभव आता जाता है और उसके लिए सतत प्रयासरत है। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, सब क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प करें, आप लोगों को भी फायदा होगा उसका। तो 1 ग्राम दिन में 2 बार। और जहां पर डेंटल कैरीज है, डेंटल कैरीज में पेन बड़ा अच्छा होता है, पल्सेटिंग पेन, जैसे उसको पस बन जाता है फिर से दर्द होता है, वो पल्सेटिंग पेन होता है। ऐसा पेन यदि हो रहा है तो उसमें वोक्सराली गोकुल देना है। वोक्सराली गोकुल 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, जैसी मात्रा चंद्रावटी का। मैं खुद अनुभूत योग है हमारा, मैंने खुद किया हुआ है। पता नहीं क्या हुआ था, 4 साल पहले मुझे दर्द शुरू हुआ था हाथ में। अब क्योंकि अपने पास तो ऑप्शन नहीं है ना, अभी पेनकिलर खा लो। तो ये रिसर्च कैसे होती है? ऐसे ही होती है, जब हम फाउंडेशन को रखते हैं, लाइन खींच कर रखते हैं, तभी हम कुछ दूसरी चीज ढूंढेंगे। तो नहीं तो ढूंढते नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पैरासिटामोल से नेमोसाइड से पेन बंद हो सकता है, तो क्यों इतना दिमाग लगाना है? बात यह नहीं, बात यह कि हमारे पास भी तो कुछ ऐसा होगा। पहले दांत दर्द होता नहीं था, फिर तब होने लगा था यहाँ, तो तब हम उस चीजों को रीडिस्कवर करते, डिस्कवर नहीं रीडिस्कवर, बस उठा के पीछे से ला रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है इसमें, कोई रिसर्च नहीं है। एक व्यक्ति ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे सामने क्वेश्चन रखते हैं कि सर रिसर्च नहीं होती आयुर्वेद। मैंने कहा भैया तू वैसे तो रत्नावली पढ़ ले पहले, तो वैसे तो रत्नावली को यूज कर लो, जितने योग लिखे हैं 7 पुस्तक लग जाएंगे फिर भी यूज नहीं कर पाओगे, कितने योग हैं और सारे पहले रिसर्च है। हम तो आज शुरू करेंगे तो 70 साल में खत्म हो जाएंगे, कैसे रिसर्च करोगे आप, कितनी करोगे? हमें जरूरत रिसर्च की नहीं है, हमें जरूरत मॉडिफाइड करने की। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मॉडिफिकेशन से याद आया, सुबह कब उठना चाहिए? जब नींद पूरी हो जाए। सुबह 12 बजे होती नहीं, कब उठना चाहिए? नॉर्मली क्या है, ब्रह्म में मुहूर्त उत्तिष्ठे जीर्ण जीर्ण अजीर्ण। तो होता क्या है कि हम लोग आधा से पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं। अधिकतर जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबह 4 सेशन ब्रह्म मुहूर्त, गलत। जब खाने का पाचन हो जाए, सोते ही हम 12 बजे हैं खाना खाकर, और 4-6 बजे कैसे उठ जाओगे और उठ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जीर्ण अजीर्ण का विवेचन करना है, उससे पूछना है, उसके बाद उठना है। यदि आपका पाचन नहीं हुआ है तो सो जाना है। क्यों सो जाना है? वो रस से सा जीर्ण है और रस से सा जीर्ण की चिकित्सा क्या है? शयन। ये है प्रैक्टिकल अप्लाई आयुर्वेद, इस तरीके से सोचेंगे तो समझ में आता है सही था। दूसरा प्रश्न, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए या नहीं? कितना? अरे बोलो गलती तो मैंने कहा, फेल वाली बात ध्यान ही नहीं। हम लोग डरते फेल से, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे डर निकल जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आज नहीं हमारे लिए, क्या बोलते थे,
फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग, फेल होने से मत डरिए, फेल एफ ए आई एल, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग। तो सीखने की सबसे अच्छी स्टेज है फेल होना। आज हम यदि उसके बीच में फेल हो रहे हैं तो हम आगे के लिए सक्सेस हो रहे हैं। यदि आप फेल नहीं हो रहे हो मतलब आप खत्म हो पहले से, डेड। आप सिर्फ आए हो, खाना खाओगे, सांसारिक चीजों का उपभोग करोगे और चले जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। तो हमें सोचना पड़ेगा जब से हम पैदा हुए हमने समाज को या देश को क्या दिया, सब लिया है, फल पेड़ पौधे सब्जी खाना और धंधा करते हैं, तमाम गंदगी कर दी खा पी के। तो इसको हमें एक बार सोचना पड़ेगा, यहां से सोचना थिंक करना पड़ेगा कि हम क्या दें। तो फेल होने से नहीं डरना है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल होइए वही सक्सेस होने की सीढ़ी है। आज फेल होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, लेकिन दसवीं बार में जो पेशेंट आएगा ना उसके लिए आप मास्टर स्ट्रोक हो चुके होंगे उस समय। मैं बताता हूँ माइग्रेन की मैंने डिटेल कैसे इकट्ठी की, ये रिसर्च कैसे हो पाई। मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, एक पेशेंट आया, फीमेल पेशेंट आई, मैंने उसको देखा, दिमाग में वही था पथ्यादी भोजन की सुला दी, यहीं पर खत्म है। तो हमने भी उसको वही दे दिया और वो बड़े इंदौर से रेफर होके आया था पेशेंट मेरे पास। मैंने बोला ठीक है 7 दिन की दवा देता हूँ, वो 7 दिन वहाँ स्टे करने वाले थे, 7 दिन उन्होंने स्टे किया, अपना रिलेटिव किया, आईपीडी है नहीं हमारे पास, उनको रिलीफ नहीं हुआ। उन्होंने उसको बोला जिसने रेफर किया था, मुझे रिलीफ नहीं हुआ इसलिए वो नहीं जा रहा, वो मेरे पास आए नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो मेरा ट्रायल फेज था, ये देंगे अभी तो पता चलेगा ना आगे क्या है। तो आए नहीं, फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत सारा पढ़ा, सुन कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से है, पूरा पढ़ने के बाद में मैं अब तैयार होकर बैठा। उसके बाद जब भी पेशेंट आया कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक तब के हिसाब से उसको मैंने डिवाइड कर लिया था। वो जो पेशेंट आया था वो एक्चुअली वास्तव से शुरू का, तो उसमें हमें मावा विद्वंस और दशमलव रिस्ट देनी थी, तो वो ठीक हो जाता, वो मेरा फेल था। और सिखाया भी उसी ने मुझे, यदि वो नहीं आता तो मैं रिसर्च करता गया, मैं ट्रायल्स करता क्या, पढ़ता क्या, नहीं पढ़ता। पत्थरी भोजन की भी टिका रहता, तो उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये दोषात्मक जब समझने लगते हैं तो इन चीजों को हमें आइडिया आता है। किस टॉपिक को बोल रहा था, हाँ पानी। तो पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितना लगी हुई प्यास ना बुझे, दोनों ही कुछ, दोनों ही आंसर गलत। कैसे बताता हूँ, पहला सूत्र है ब्रह्म में मुहूर्त उत्तिष्ठे जी है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है उसको पानी पीना है, जो नहीं उठ रहा है वो पानी ना पिए। अब पूछिए क्यों, इसलिए क्योंकि जब सुबह उठते हैं वात का ताल होता है ब्रह्म मुहूर्त, और जब आप उठते हैं तब का ताल होता है, आप उस समय पानी पिएंगे तो आपके शरीर में आम बढ़ेगा, विकृत कफ बढ़ेगा। और 4 लीटर तो कभी भूल के मत पीना, जो लोग भी पीते हैं या पिलाते हैं 2 लीटर 3 लीटर या 1 लीटर, सॉरी 4 ग्लास, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कोई एक समीकरण नहीं होता कि फिक्स कर देंगे। यदि आप लेट उठ रहे हैं 7-8 बजे उठ रहे हैं, आधा ग्लास 1 ग्लास सिर्फ 2-4 सिप सफिशियंट है। यदि आपने उस समय भरपेट पानी पी लिया तो क्या होगा, अग्नि मान दूर जाएगी। उसके बाद आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ता पचेगा नहीं, फिर आप लंच करेंगे वो भी नहीं पचेगा, फिर डिनर करेंगे वो भी नहीं पचेगा, और फिर आप सो जाएंगे, फिर अगेन पानी पिएंगे, तो अब आपकी अजीर्ण की साइकिल तैयार हो गई। दिस इज कॉल्ड आमाजीर्ण। तो मिस्टेक क्या हुई, पानी पी, और ये हम सब लोग गलती करते हैं। डॉक्टर के पास गए तो ठीक है पियो, कम पीते हो और बढ़ाओ, अरे कोई नियम ही नहीं है उसका, बढ़ाओ क्यों। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, जब भूख लगे खाना खाना, लेकिन भूख की टाइमिंग फिक्स हो 2 बार। लोग पूछते हैं कितनी बार खाना खाए, 2। कहावत है 1 बार खाता है योगी, 2 बार खाता है भोगी, और 3 बार खाता है रोगी। अब आप सोच लीजिए आपको क्या बनना है। जितने भी योगी हैं वो मोस्टली एक टाइम खाते हैं ऑथेंटिक, बाकी आज तो बाबा बहुत है और वो बढ़िया बादाम और फल खाते हैं, तो बोलते हैं खाना खाते ही नहीं है। अरे भैया क्यों खाओगे खाना, फल और बादाम खा रहे हो, जरूरत क्या खाने की,
हमें डिसाइड करना है कितनी बार में। आजकल का सिस्टम क्या है, सुबह उठे पानी वानी पी लिया इस तरीके से, उसके बाद में हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद में चाय या पहले चाय, फिर तब तक लंच 12-1 बजे 1-1.5 बजे वो खा लिया, फिर शाम को चाय या ब्रेकफास्ट, फिर रात का डिनर और फिर दूध और फिर सो। डायबिटीज नहीं होगी तो क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा खाने के लिए पैदा हुए हो क्या, कोई नियम ही नहीं, कोई सिद्धांत ही नहीं। और हमने इस चीज को बढ़ावा दे दिया 3 बार खाओ, ये जो है ना हम दूसरे डॉक्टर से बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, उन लोगों की सीएमएस में जाते हैं, वो पता क्यों बुलाते हैं, ताली हो जाती सिखाते नहीं कुछ भी। मैं एक बार गया एक संस्था की तरफ से था, तो उन्होंने बोला कि सर आ जाना, आप ही आ जाना, एक दिल्ली से डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आया, ठीक पूरी रामायण सुना दी, हमारे मतलब तो कुछ था ही नहीं, ताली बजाने की बोला नहीं, आप उनको रेफर करें इसलिए बोला, बढ़िया सा डिलीशियस एक लंच होता है, खाओ ताली बजाओ और पेशेंट उनको भेज के जाओ। अब वो क्या करते हैं स्पेशली शुगर के पेशेंट्स, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 4 बार खाइए। अरे यार स्वाभाविक सी बात है, एक रोटी खाओगे तो उतनी शुगर बढ़ेगी ना, और 4 रोटी एक साथ खाओगे तो उतनी शुगर बढ़ेगी, सिंपल है ना, इसका कोई लॉजिक है, रॉकेट साइंस है क्या, वहीं से मूर्ख बना देते हैं। तो शुगर कंट्रोल होने लगे, कंट्रोल नहीं हो रही, वो एक रोटी खा रहा है एक बार, उसके बाद शुगर चेक करोगे तो कमी आएगी, 4 रोटी खाने के बाद चेक करोगे तो उतनी ज्यादा आएगी, छोटी सी बात हम नहीं समझ पा रहे। बार बार खानी नहीं है, बार बार भेड़ बकरी खाती है, आदमी खाता ही नहीं, 2 बार खाना है, इंपॉर्टेंट है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। मेरे पास हार्ट के पेशेंट्स इतने भी हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। हार्ट के पेशेंट्स में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आपको शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। आप किसी भी हार्ट के रोगी को प्रयोग करके देखो, सिर्फ इतना करने से 50% रिलीफ होता है उसको विदाउट एनी मेडिकेशन, दवाई की आवश्यकता ही नहीं। बोला भी है हमारे शास्त्रों में कि पथ्य प्रधान है, आहार प्रधान है, औषधि तो पात्र है, लेकिन आजकल हमारा पूरा फोकस औषधि पर, कि हम ऐसी मेडिसिन बनाते हम ऐसा करते हैं, सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि तो हमें परहेज पर भी ध्यान देना है, और परहेज बहुत लंबा छोड़ो पता भी नहीं, सिंपल है, हृदय रोगी दोस्तों को 7 बजे के बाद निकाले, एक ही परहेज है, इतना तू कर बाकी मैं करके दूंगा। हृदय रोगी घी नहीं खाएगा साहब, क्यों नहीं खाएगा, और हमारे लोग भी नहीं खाते, मेरा आज तक एक भी हार्ट का पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको हमने ठीक भी किया होगा, उसको 4 चम्मच डेली 20 ग्राम खिलाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में शक्कर, शक्कर का मतलब गुड़ से, गुड़ हम खिलाते हैं, बंद नहीं करते, क्यों नहीं करते, हमारा सड़क साफ को होना चाहिए, आप एक चीज को बंद कर दे रहे हो, आपको थोड़ा भी बीपी बढ़ा आपने करके ठीक कर दिया, अरे बीपी बात करते के कारण भी तो बढ़ सकता है, जरूरी है कब के कारण ही बढ़ेगा, उसका आपने घी बंद कर दिया, आप क्या हुआ पेशेंट को 4 साल बाद जोड़ों में चरवर चर की आवाज आने लगी, ऑब्स्ट्रक्टाइटिस डेवलप हो गया, आप बेटा घी खा नहीं सकते, ऑस्टियोआर्थराइटिस की चिकित्सा ही इसने है, चाहे इंटरनली लो चाहे बस्ती के रूप में दो चाहे ओरली लो चाहे बाहर से लगाओ, कर नहीं सकते कुछ भी, बाहर से लगाओ इतनी देर तक आराम रहेगा उसके बाद फिर पैन होने लगेगा, पेशेंट तैयार हो गया नी ट्रांसप्लांट का, इसको हम कब समझेंगे, अपनी दम पर बोलिए पेशेंट को तू घी खा कुछ नहीं होगा मैं बैठा हूं, देखो पेशेंट कैसे घी नहीं खाता, मेरे यहाँ एक भी रोगी ऐसा नहीं है तो मेरी बात को टाल जाता हूं, क्यों, क्योंकि उसको तुम्हें कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अपने सिद्धांत पर भरोसा इसलिए बोलते हैं और करके दिखाते हैं। अभी आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा बहुत सारी बिफोर एंड आफ्टर एविडेंस बेस्ड सारी। तो पानी जो है रखोग्रोथ में भी उठ रहा है तो ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, नहीं तो जितनी जरूरत है 1 ग्लास आधा ग्लास।